हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। इन 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स में कैरेक्टर स्केच भी है, थीम, टाइटल, समरीज, पोएटिक डिवाइसेस, टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स, सेंट्रल आइडियाज़, ये सब कुछ इस 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ बॉब। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, काफ़ी बार आए हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डॉक्टर सी वी रमन्स फिलोसफी ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 3, गिव द करेक्टर स्केच ऑफ एडिसन बार्नबी। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द करेक्टर स्केच ऑफ मृगांकु बाबू। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द थीम ऑफ द एसे द लेटर ए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी दिलीप स्केयरक्रो। क्वेश्चन नंबर 7, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द एसे द रूल ऑफ द रोड। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द ले इन योर ओन वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द थीम ऑफ द एसे ले। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द करेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सी वी रमन। क्वेश्चन नंबर 11, गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ रिपब्लिकन स्नाइपर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द करेक्टर स्केच ऑफ क्रिस्टी ब्राउन एंड हिज मदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोइम वंस अपॉन अ टाइम। क्वेश्चन नंबर 14, राइट समरी ऑफ द पोइम व्हेन ऑटम केम। क्वेश्चन नंबर 15, राइट समरी ऑफ द पोइम सनराइज। क्वेश्चन नंबर 16, गिव सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम वंस अपॉन अ टाइम। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोइम सनराइज। क्वेश्चन नंबर 18, डिस्कस द मैसेज कन्वेड इन द पोइम सनराइज। ये 18 क्वेश्चंस थे जिसमें करेक्टर स्केच थे, सेंट्रल आइडियाज थे, समरीज थी। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चन टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं एंड पोएटिक डिवाइसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वाज रमन्स फिलोसफी ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 20, डिस्कस द रोल ऑफ क्रिस्टी ब्राउन, क्रिस्टीज मदर, हु हेल्प क्रिस्टी अचीव द इम्पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ वॉज द स्नाइपर इंजर्ड, हाउ डिड ही रियलाइज दैट ही हैड बीन हिट। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट वॉज जर्मन्स रिएक्शन टू नाजब्स एब्सेंस फ्रॉम द विलेज एंड वाई। क्वेश्चन नंबर 23, वाई डज कॉक्स वॉन्ट मिसेस बाउंसर टू चेंज हिज बोल्स्टर। क्वेश्चन नंबर 24, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द अरेस्ट ऑफ बोव। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट आर द थिंग्स विच मॉडर्न मैन जनरली फॉरगेट्स इन हिज डेली लाइफ। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट आर द पीपल हु मोस्ट ऑफन शो अ फॉरगेटफुल नेचर। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाई डिड द स्नाइपर किल द मैन इन द आर्मर्ड कार एंड द ओल्ड लेडी। एंड क्वेश्चन नंबर 28, नरेट मृगांकु बाबू मीटिंग विद द स्केयरक्रो। क्वेश्चन नंबर 29, डिस्कस एब्सेंट माइंडेडनेस एज अ वर्चू। क्वेश्चन नंबर 30, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द फाइट बिटवीन शामल्स कॉक एंड जानीस कॉक। क्वेश्चन नंबर 31, जस्टिफाई दैट द स्टोरी आफ्टर 20 इयर्स इज अ ट्रेजिक वन। क्वेश्चन नंबर 32, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी आफ्टर 20 इयर्स। क्वेश्चन नंबर 33, Why has the lesson been titled Love Across the Salt Desert? Question number 34, describe C.V. Raman's views about patriotism. Question number 35, who was Mrigankubabu? Why did he go to the Durgapur? Question number 36, why is the writer astonished by the absent-mindedness of the people? Question number 37, what is a blue book? Why does A.G. Gardiner read them? Question number 38, how are writers and composers different from statesmen? Question number 39, why does the writer decide not to enter the Rani Palace? And question number 40, how is Leh different from other places? Next is question number 41. Explain how Mrs. Bouncer befools her tenants. Question number 42.
What according to Robert Lind are the advantages of forgetfulness? Question number 43. Why did the sniper feel remorseful? Question number 44. What kind of people tends to forget things in trains? Question number 45. Abhiram is the product of Mriganku Babu's imagination. Do you agree or not? Question number 46. How did the sniper feel after having killed the sniper from the opposite side? Question number 47. Describe Najib's journey across the Ran of Kutch. ये जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए अभी 18 के बाद, ये सारे टेक्सुअल क्वेश्चन थे. अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, ये सारे पोइट्रिक डिवाइसेस में से हैं और पॉइंट में से हैं. क्वेश्चन नंबर 48 है, व्हाट इज अ सिमिली, पिक आउट सिमिलीज यूज्ड बाय द पोइट इन सनराइज. क्वेश्चन नंबर 49, आइडेंटिफाई द सिंबल्स यूज्ड बाय द रॉबर्ट फ्रॉस्ट इन द पोइम आफ्टर एप्पल पिकिंग. क्वेश्चन नंबर 50, एक्सप्लेन द फ्रेज द वर्ल्ड इज अ लिटिल मोर माय ओन. क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट डज द पेन ऑफ ग्लास रेफर्स टू. क्वेश्चन नंबर 52, डू यू थिंक मॉडर्न पीपल यूज डबल टॉक वेरी ऑफन, गिव सम एग्जांपल्स. क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ येलो इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्री लीव्स. और ये क्वेश्चन है व्हेन ऑटम केम पॉइंट में से है. क्वेश्चन नंबर 54 है, गिव सम एग्जांपल ऑफ विजुअल इमेजरी, साउंड इमेजरी एंड टेस्ट इमेजरी फ्रॉम द पोइम पनिशमेंट इन किंडरगार्टन. क्वेश्चन नंबर 55, गिव एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन फ्रॉम द पोइम इंकिंग्स फ्रॉम द डार्क. क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन द ईगल एंड डव. क्वेश्चन नंबर 57, व्हाई हैज द वर्ड थाउजेंड बीन रिपीटेड ट्वाइस, व्हाट इज द पोएटिक डिवाइस यूज्ड. और ये क्वेश्चन है आफ्टर एप्पल पिकिंग पोइम में से. क्वेश्चन नंबर 58, व्हाई इज स्काई एंग्री एंड हाउ डज इट एक्सप्रेस हिज एंगर. क्वेश्चन नंबर 59, गिव एग्जांपल ऑफ सिमिलीज फ्रॉम द पोइम पनिशमेंट इन किंडरगार्टन. एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटाफोर फ्रॉम द पोइम इंकिंग्स फ्रॉम द डार्क. जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, इन सभी पे मैंने वीडियोस बनाई हैं. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्लास 12th इंग्लिश की प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें आपको क्लास 12th इंग्लिश के हर एक चैप्टर की वीडियोस मिलेंगी, आप जाके देख सकते हैं. इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का लिंक, की वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आई होप कि आप सभी बच्चों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी. वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. थैंक यू.